हेलो फ्रेंड्स, वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नए तरीके से। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मसाले रेडी नहीं करने पड़ेंगे और कोई भी झंझट भी नहीं है इसे बनाने में, और खाने में तो इतने लाजवाब हैं कि आप एक बार बना के ट्राई करोगे तो बार बार यही खाना पसंद करोगे। तो चलिए फिर झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ की आलू लिया है। आलू को मैंने एक विसल आने तक बॉईल कर लिया है। अब हम इसके छिलके को उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कर लेंगे होल। होल करने से आलू जब हम डीप फ्राई करेंगे तो बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें होल करके रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें करेंगे इसे डीप फ्राई। तो एक एक करके सारे आलूओं को हमें ऐड करना है। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में इसको बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट हुआ है और आलू का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बढ़िया क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे आलू हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो सभी आलू हमारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे मसालेदार आलू। तो पैन में हम ऐड कर लेंगे ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा, स्टार और बड़ी इलायची ऐड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने लिया है कुटी हुई खड़ी धनिया, सौंफ और जीरा। ये खड़े मसाले इसमें ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो खड़े मसालों को हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, और अदरक, दोनों मैंने ग्रेट करके यूज़ किया। आप चाहो तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हो। थोड़ी देर इसे भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3-4 टोमेटो यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो टोमेटो को भी हमें अच्छी तरीके से भुनना है। तो इधर टोमेटो को हमें अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देना है। और अब हम रेडी करेंगे मसाले। तो बाउल में हम ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैंने ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस इसी मसाले को हम सब्ज़ी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे टोमेटो हमारा बढ़िया भुन के रेडी हो गया है। तो इसी में हम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप के बराबर पानी और हाई फ्लेम में इसे बॉईल करेंगे। जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए आलू और अच्छे से मसाले में हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे एक बार चला लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हो तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है मलाई। तो ये मैंने घर की मलाई ऐड किया, आप चाहो तो मार्केट वाली भी ऐड कर सकते हो। मलाई को भी ऐड करके हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मलाई को मसाले में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। तेल अलग होने लग गया है। तो अब हम इसे चला लेंगे और गैस के फ्लेम को हम कर लेंगे ऑफ और इसकी करेंगे फटाफट से प्लेटिंग। कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्ज़ी। तो देर किस बात की, अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए लग रहे ना एकदम बढ़िया ढाबे स्टाइल मसालेदार आलू की सब्ज़ी। तो बस झटपट से आप भी इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।